तो कैसे दोस्तों आप सब, और हमारे चित्रकूट सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको दिखाई रामघाट की शाम वाली भव्य आरती, फिर शाम का शानदार डिनर करने के बाद हम लोग निकल पड़े चित्रकूट के घने जंगलों के बीच नाइट आउट करने, और फिर अगली सुबह जो हमारी पहली डेस्टिनेशन रही वो रही स्फटिकशिला। स्फटिकशिला के बाद हमने विजिट किया आरोग्य धाम, और फिर फाइनली हनुमान धारा की चढ़ाई के लिए निकल पड़े, जहाँ चढ़ाई के दौरान बंदरों ने हमारा प्रसाद ही छीन लिया। फिर वहां से बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर हम लोग और ऊपर चढ़ाई के लिए निकल पड़े सीता रसोई, निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जिसे हम लोग आपको आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं। और अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर देखिएगा। और अब आगे गुफा के अंदर इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आइए आपको गोदावरी नदी की भी डुबकी लगवाते हैं, और आपको गोदावरी नदी की डुबकी शायद ही किसी ने लगवाई होगी। तो गोदावरी से लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो इसी रास्ते पे थे और हमें एक जानवर भी दिखा था। नहीं सकता, मेरा वो प्राइवेट चाबी है कहाँ, 3-4 राउंड लगा डाले, सब कुछ सोच डाला कि यार अभी क्या करना है गाड़ी के साथ में। रिएक्शन कैसा होता है देखिए आप। हार्दिक पांड्या ताजमहल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चित्रकूट सीरीज के तीसरे पार्ट में। तो हनुमान धारा का दर्शन करने के बाद हम लोग वहीं पास में बने बाईपास के रास्ते से निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो था गुप्त गोदावरी। अगर आप हनुमान धारा से सती अनुसुईया या गुप्त गोदावरी जाने के लिए ये बाईपास वाला रूट सेलेक्ट करते हैं, तो आपको शहर के अंदर से मार्केट के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के हमें लोकल ने बताया कि यहाँ से गुप्त गोदावरी की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 18-20 किलोमीटर है, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा शानदार है। चारों तरफ आप प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं, पहाड़ों का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, रास्ते का मज़ा ले सकते हैं, सेल्फी वीडियो कुछ भी बना सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी रूट से जाने के लिए। और मेरी वॉइस थोड़ी सी बैठ गई है जुकाम की वजह से, सो उसे इग्नोर करिए। जब हम इन रास्तों से गुजर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो ये नेचर, ये प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है कि हमसे हमारा अस्तित्व मत छीनो। और इस शानदार व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए अपने तीसरे डेस्टिनेशन, जो कि है गुप्त गोदावरी। तो इस समय हम लोग आ गए हैं गुप्त गोदावरी। यहाँ पे 70 सीढ़ियां हैं और दो गुफाएं हैं, मतलब दो गुफा नहीं है, गुफा एक ही है बट वो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और साथ में गोदावरी नदी की एक अदृश्य धारा है जो कि अंदर है। ठीक है, पूरा से पानी भरा रहता है, आपके घुटनों से नीचे पानी रहेगा, हो सकता है कि बरसात के टाइम पे थोड़ा और ज्यादा भी रहे, बट अभी एंकल लेंथ वाला पानी रहता है, इतना पानी रहेगा। इस गुफा के अंदर श्री राम और लक्ष्मण जी ने दरबार लगाया था, ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता के स्नान हेतु गोदावरी मैया को प्रकट किया था। और यहाँ टिकटिंग की व्यवस्था भी है, टिकटिंग का प्राइस भाई प्रकाश, टिकटिंग का प्राइस है जो लोग मैच्योर्ड हैं एडल्ट हैं उनके लिए 20 रुपए का है, 18 से कम वाले हैं उनके लिए 10 रुपए। और एक चीज और है अंदर, वो है पूरा सातों ऋषियों के दर्शन ब्रह्मा जी के साथ में। अच्छा। वो भी एक क्या बोलते हैं शिवलिंग है जो कि ऑटोमेटिकली बनी हुई है पहाड़ से, मतलब पहाड़ से ही बनी हुई इतनी छोटी शिवलिंग है, अभी अंदर दिखाएंगे। और हमारे ये देखिए हीरो। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ दो गुफाएं हैं, एक गुफा चौड़ी और ऊंची है, प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से घुसा नहीं जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण जी ने दरबार लगाया था। प्रथम गुफा आ चुकी है, जो मुख्य गुफा द्वार है हम लोग के सामने। अब चलते हैं अंदर। मैं भाई की कॉपी करने जाता हूँ। विद इन ओपन ओरिजिनल। वाओ। ये पीछे ही रहो ना ताकि वो है गुफा का। वाओ। बहुत ही
2013 में प्रकाश के साथ मैं इसी जगह पे आ चुका हूँ। उस वक्त सेम इसी जगह पे ऊपर चमगादड़ लटके होते थे, बट इस टाइम वो हमें देखने को नहीं मिले। हो सकता है अंदर देखने को मिले। और 2013 से अब में ये जगह काफ़ी चेंज हो चुकी थी। पहले लाइटिंग इतनी प्रॉपर नहीं थी, बट अब काफ़ी बेटर हो चुका था। और अगर आप अंदर आते हैं तो लाइटिंग वायरिंग वगैरह को छूने से बचिएगा, बिकॉज गुफा के पत्थरों से पानी रिसता रहता है तो करंट मारने के बहुत चांसेस हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचिएगा। और ये वीडियो मैंने थोड़ा सा रॉ रखा है ताकि आप एक्चुअल एक्सपीरियंस कर सकें जो हमने वहाँ किया था गुफा के अंदर। और गुफा के अंदर इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पूरा मतलब गीला है, देख रहे हो, कोई भी पत्थर अगर देखोगे तो सभी पत्थर गीले हैं। सुईया माता जी पूरी प्रसाद यहाँ के रहेगा, गोदावरी में गुप्त गोदावरी। तो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो है सीताकुंड। यहाँ खटखटाचोर दर्शनार्थियों के कौतूहल और आकर्षण का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि ये खटखटाचोर पाप खाकर पेट भरता है और इसके दर्शन करने वाले के घर कभी चोरी नहीं होती। तो आप भी आकर यहाँ पे दर्शन कर लीजिएगा। और ये ऊपर जो ब्लैक कलर का पत्थर देख, खटखटाचोर इसी को बोलते हैं। और ऊपर हमें चमगादड़ देखने को मिले और एक सांप भी था जो छुप गया था, वो वीडियो में नहीं आ पाया। वाह, और इनकी चिकनाहट, वाव, गुफा के अंदर का एक्सपीरियंस। जैसे ये वो है एक जमाया हुआ जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत चट्टान है पूरी, एकदम है गंगा गुप्त गोदावरी। तो मेरे सामने जो आप कुंड देख रहे हैं उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी यहीं से निकली है और इसका स्रोत किसी को भी नहीं मालूम कि ये कहां से आई है। सो आप सब भी हमारे साथ गोदावरी मैया का दर्शन कीजिए और बोलिए गोदावरी मैया की जय। तो ये गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा है जिसमें हमेशा पानी रिसता रहता है और आप मेरे सामने देख रहे हैं पानी भरा हुआ है और इस गुफा में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। और ये है दूसरी गुफा, द्वितीय गुफा, ज्यादा पानी नहीं। और नीचे आप जो जल देख रहे हैं वो गोदावरी नदी का ही जल है। तो पानी घुटनों तक बड़ा भरा हुआ है, यहाँ पे घुटनों तक पानी भरा हुआ है और बहुत ही सकरी गुफा है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, चिकना को सॉफ्ट है। तो आइए आपको गोदावरी नदी की भी डुबकी लगवाते हैं। और आपको गोदावरी नदी की डुबकी शायद ही किसी ने लगवाई होगी। बहुत सकरी गुफा है, लाजवाब गुफा है भाई, ये एंडिंग तो बहुत लाजवाब है। बोलो गोदावरी मैया की जय। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गुप्त गोदावरी गुफा 2 से और अंदर का एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब था यार, खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि पैरों में इतने ज्यादा लग रहे थे ना, चुभ रहे थे। आपने आपने वीडियो में गुफा देखी है? एक बार नीचे करो, पहले पानी एंकल तक था, देन आफ्टर वो घुटने तक पहुंची गया। और इतना छोटे छोटे शानदार बंदर है, वाओ, अल्फा मेल है। और क्या कहते हैं वहाँ पे, मतलब छोटे छोटे पत्थर इतना ज्यादा गड़ रहे थे पैर में, लेकिन मजा आ गया, मजा आ गया। वर्थ रहा गुप्त गोदावरी आना। और हमारा गुप्त गोदावरी का सफर अब फिलहाल के लिए यही खत्म होता है और अब हम लोग निकलेंगे
सती अनुसुईया टेम्पल के जो कि लास्ट है। और हम तो अभी बहुत यंग हैं, इंस्पिरेशन असल में ऐसे लोगों से मिलती है। और ये सती अनुसुईया का रास्ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है सती अनुसुईया आश्रम। और रात को हम लोग इसी रास्ते से आए थे, ना रात में मैंने रिकमेंड किया था इन लोगों को, भाई यहाँ पे आना 11 बजे, जो इन लोग को मजा आ गया, मुझे भी यार लाजवाब। 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर सती अनुसुईया आश्रम आवर लास्ट डेस्टिनेशन। और गुप्त गोदावरी से लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है सती अनुसुईया के लिए। तो चलते हैं अपनी लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन पे जो कि है सती अनुसुईया आश्रम। सती अनुसुईया के लिए जाने वाला रास्ता चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। और जब हम लोग रात पे नाइट आउट पे निकले थे, जिसे हमने अपने सेकंड वीडियो में दिखाया है, तो इसी रास्ते पे थे और हमें एक जानवर भी दिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो थोड़ा संभल के चलाइएगा, बिकॉज बहुत सारे आपको बंदर दिख जाएंगे रास्ते पे। सो उनकी सेफ्टी के लिए आप ज़रूर रुक जाइए, धीमे चलाइए, और बंदर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप उन्हें फल वगैरह सारी चीजें दे सकते हैं, वो बड़े प्रेम से खाएंगे। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ गए हैं सती अनुसुईया टेम्पल। अभी मजा आ रहा है ना? और मजा आ गया यार, यार देखो ये भी इसी नदी में नहाने का मजा है, असली मजा यही है। अभी हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे, मंदिर के अंदर का आपको नजारा दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके मतलब आपको फाइनल डेस्टिनेशन इसी को रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्नान करने के बाद मतलब यार आपकी पूरी जितनी थकान है ना यार सारे धाम घूमने के बाद, वो यहाँ पे खत्म हो जानी है, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आप। रिलैक्स मैं नहा नहीं सकता, मेरा वो प्राइवेट सीन। और देखिए यहाँ पे बंदर कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बंदर हैं। सही है, चलते मंदिर के अंदर। हॉपर भाई इधर शूट कर रहा है, और हमारा भाई हॉपर भाई अपना उधर शूट कर रही है, देखो ये शूट कर रही है। भाई साहब मास्क मैन की कमी पूरी कर दी मेरे स्पाइडर मैन। मेरी अनुसुईया ऋषि अत्री की बहुत ही प्रेममय और समर्पित पत्नी थी। उसकी निष्ठा से प्रभावित होकर ऋषि नारद ने उसकी स्तुति की। इससे ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की पत्नियों को बहुत जलन हुई। वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और एक योजना पर प्रहार किया। उन्होंने अपने पतियों से उसकी पवित्रता को तोड़ने के लिए कहा। उसके पति की अनुपस्थिति में वे सभी उसके पास गए और उसे बिना किसी कपड़े पर रखे उन्हें भोजन परोसने को कहा। यह सुनकर उसने उन पर पानी छिड़का और उन्हें शिशुओं में बदल दिया। कालांतर में इन देवताओं की पत्नियां उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। पत्नियों ने आकर देखा कि क्या हुआ था। उन्हें अपनी शातिर योजना पर तरस आ गया। देवता तब उनके पुत्र सोमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में पैदा हुए थे। उसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। चित्रकूट में कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, इससे अकाल पड़ गया। सती अनुसुईया ने कड़ी प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना की शक्ति ने मंदाकिनी नदी को पृथ्वी पर ला दिया। तब चारों तरफ हरियाली थी, इंसान और जानवर भी राहत महसूस कर रहे थे। राम और सीता जी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने सती अनुसुईया जी के दर्शन और उन्होंने सीता जी को अपने पति के प्रति वफादारी का महत्व बताया। अच्छा नहीं अलाउ है। तो मंदिर परिसर में फोटो वगैरह लेना मना था, इसलिए हम अंदर फोटो या वीडियो कुछ भी नहीं बना पाए। तो भाई के साथ बहुत बड़ा वाला कांड हो गया सती अनुसुईया में। फिलहाल वो सॉल्ट हो गया, लेकिन वो कांड क्या हुआ था, 15-20 मिनट के लिए पूरी हालत खराब हो गई, जिसे बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश। फाइनली एड्रेनलिन रश आखिर होता क्या है ये आज जान गया। एक्सपीरियंस आप पसीने देख रहे हो। मैं अभी अपने घर से 130 और साथ में इधर 150 किलोमीटर ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि पहले राउंड पे हम लोग गए, हम थे सौरभ था, नितिन था और जो शुभम था वो यही हम लोग का सामान देखा था। सेकंड राउंड में मैं अगेन इन लोग को लेकर के गया, सौरभ यहाँ पे था। देन मैं पता नहीं किस तरीके से चाबी सौरभ का जो हेलमेट फसल लगा हुआ है उसके बाइक में मैंने उसमें डाल दी, और उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ भाई चाबी है कहाँ। 3-4 राउंड लगा डाले, सब कुछ सोच डाला कि यार अभी क्या करना है गाड़ी के साथ में, मैकेनिक को लेके आना है, गाड़ी के लॉक तोड़वाना है, क्या है करना क्या नहीं। लेकिन फाइनली चाबी मिल गई भाई, मन्नत मानी मैंने अभी जाते जाते सती अनुसुईया। कसम से भाई वो चीज जो है ना,
क्योंकि यार ऐसी मतलब कंडीशन ऊपर ऊपर जाके सत्य अनुसुईया जी के मतलब जहाँ पे वो मैं किसी भी बाइक मैकेनिक से इस समय तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हूँ, कोई ये नहीं है यहाँ पे आसपास। हाँ, होता ही है कि मेरी बाइक से तुम चलते हो और फिर मैकेनिक को लेकर गया। हाँ भाई चाबी मिल गई, बोलो सती अनुसुईया माता की जय। ये रही चाबी। ओ भाई ये तो तगड़ा वाला एक्सपीरियंस हो गया एंड विद खतरनाक वाला एक्सपीरियंस। भाई यार चाबी मिल गई, भाई हालत खराब हो गई। भाई तुम्हारी आवाज ने ना जान ला दी। जान ला दी मैंने ही बताया इन लोगों को चाबी इसके अंदर है। और पूरी चित्रकूट सीरीज में ये वाला जो पल है ये मेरा सबसे फेवरेट है, मंदाकिनी नदी में नहाने का। और इसे आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में ही रखिएगा, बिकॉज आप थक चुके होंगे कामतानाथ की परिक्रमा करके, हनुमान धारा चढ़ाई करके, उसके बाद गुप्त गोदावरी के दर्शन करके। तो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में रखिएगा सती अनुसुईया आश्रम को, बिकॉज उसके सामने मंदाकिनी नदी में जो नहाने का अनुभव है वो आपको जीवन पर्यंत याद रहने वाला है। और आपको क्या चाहिए जीवन में जब आपके सामने इतना प्यारा प्रकृति का दृश्य हो, चारों तरफ जानवर, नदी में मछलियाँ, इतना क्लियर वाटर, और वो जो वातावरण था वो मतलब जीवन भर याद रखने वाला है। तो ये एक्सपीरियंस आपको हाईली रिकमेंडेड है, लेना चाहिए अगर आप चित्रकूट जाते हैं। हमारे यहाँ पर और अब जो दृश्य आने वाला है वो ऐसा है कि जब आप किसी को छेड़ते हैं तो उसका रिएक्शन कैसा होता है देखिए आप। प्रकाश ने पकड़ी मछली खाई पका के। तो दोस्तों हम लोग इस समय है सती अनुसुईया और मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप यहाँ पे आइए तो मतलब इसको फाइनल डेस्टिनेशन में इसलिए रखिए बिकॉज आप थक चुके होंगे हनुमान धारा ट्रेवल करके, उसके बाद गुप्त गोदावरी और कामतानाथ की परिक्रमा करके। तो आपको मतलब अगर घर वापस जाना है तो आपको मतलब अगर घर वापस जाना है तो फाइनल डेस्टिनेशन इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती। हम लोग हैं सती अनुसुईया मंदाकिनी नदी में, यहाँ पहाड़ है, झरना है, नेचर है, फिशेज है, पैरट्स है, एवरीथिंग है। तो ये हमारे ब्लॉग का अंत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और इस जगह पे आके एंजॉय कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। बिल्कुल। और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस अब देखिए हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या बनता है, आप सब कमेंट्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। सो वी ऑल आर रेडी टू गो, प्रकाश भाई, नितिन, मैं और रावत उधर गाड़ी में बैठा हुआ है, शुभम भाई, इलाहाबाद जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरा हम लोगों ने चित्रकूट 2 दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। इस समय हम लोग हैं सती अनुसुईया में और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे प्रयागराज के लिए। ये चित्रकूट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और इस पूरी सीरीज को आप जरूर से देखिएगा। और इसके इस वीडियो के पहले की जो भी वीडियोस हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं प्रकाश त्रिवेदी आप लोगों से विदा लेता हूं और साथ में सौरभ पांडे और प्रकाश डिस्कवरी मिलेंगे नए से एडवेंचर में, नए से वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ। शब्बक है, बाय 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 नितिन भाई, बाय बाय कर लो।
सो अभी की अपडेट ये है कि हम लोग इस समय अपने शहर प्रयागराज से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं और रात का टाइम है, रात के बज रहे हैं 10 और थोड़ा लेट हो गया बिकॉज दर्शन वगैरह किया और वहाँ से निकलने में टाइम लग गया और अभी हम लोग खा रहे हैं आलू का पराठा। यस, ये 12 में है हम लोग, बहुत गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट, स्वादिष्ट कैसे खा के बताएंगे, देखने में अच्छा लग रहा है। और मिश्रा ढाबा, चाय भी आ गई, मिश्रा ढाबा चाय आ गई है, आलू पराठा आ गया है, प्रकाश भाई दिख नहीं रहे, और बहुत ही त्रिवेदी भाई वहाँ पे बात कर रहे हैं फोन पे अघर वालों से, हार्दिक पांड्या भाई साहब। तो हमारा चित्रकूट का सफर यहीं पे समाप्त होता है, आपसे मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही किसी रोमांचक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गिरगिटान में पकड़े हुए हैं, बच्चा है क्या छोटा? हाँ, अभी बच्चा ही है, काटता है क्या ये? मुंह में उंगली डाल के देखो इसके कितना तेज काटेगा। इसमें इतनी पावर है कि जो कीड़ों के जो चिड़ैन के जो ऊपर कवच होते हैं उन तक को ये आराम से क्या बोलते हैं अपने इससे कुचल सकता है जबड़े से। ठीक है, थोड़ा पास चले। और जहाँ तक है ये फीमेल है, इसको छोड़ दो प्रकाश गार्डन में। हाँ, इसको गार्डन में छोड़ दो।